Hi everyone, welcome back to our YouTube channel BIM for Construction। So नेविस ट्यूटोरियल की हमने सीरीज स्टार्ट करी थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे थ्री फाइल फॉर्मेट होते हैं NWC, NWD एंड NWF, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो जो हमारा NWC होता है, हमारे जो रेविट मॉडल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के, फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चर, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एक हाउस है, इस हाउस का आर्किटेक्चर, तो हम इसका जो है रेविट से एक्सपोर्ट देते हैं NWC फॉर्मेट में, ताकि हम जो है नेविस पर इस फाइल को या हमारे मॉडल को QC कर सके, व्यू पॉइंट बना सके, या जो हमारा मॉडल है उसका क्लास कोऑर्डिनेशन या क्लास टेस्ट देख सके नेविस के थ्रू। सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके ट्रेड्स हैं उनका मॉडल एक्सपोर्ट देते हैं हम उनके रेविट फाइल के थ्रू, फॉर सपोज आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, हमारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर प्रोटेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट ग्लास लाइन, फसाड, आपके जो भी मॉडल्स होंगे उनको आप एक्सपोर्ट देंगे। तो ये जो एक्सपोर्ट आपको रेविट के थ्रू जाता है इसे हम NWC फाइल बोलते हैं, जो कि हमारी कैच फाइल होती है जिसके थ्रू हम जो है हमारे नेविस के अंदर फाइल को ओवरव्यू करके क्लैश टेस्ट और व्यू पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंट ट्रेड है तो डिफरेंट ट्रेड के हिसाब से आप उनको एक्सपोर्ट देंगे NWC, और यहाँ पर आप जो है उन सारे ही एक्सपोर्ट को अपेंड कर सकते हैं आपके नेविस वर्क के अंदर। सो ये है हमारा NWC के बीच में। सो NWC आप कह सकते हैं कि NWC वर्सेज NWD एंड NWF के बीच में ये डिफरेंस है कि आप रेविट के थ्रू जो भी कैच फाइल आपकी एक्सपोर्टेड होती है वो NWC होती है, जिसको आप ओवरव्यू कर सकते हैं और आप जो व्यू पॉइंट और क्लास टेस्ट रन कर सकते हैं। बट फर्दर अगर आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं, अगर अभी जो हमने यहाँ पर 3 NWC अपेंड करी है, आप देख सकते हैं एक फायर की, एक HVAC की, एक वाटर सप्लाई की, हमने 3 न्यू NWC की एक बिल्डिंग की यहाँ पर अपेंड करी है। अगर आप इन तीनों सर्विसेज के बीच में कुछ क्लैश टेस्ट रन करते हैं, आपने कुछ व्यू पॉइंट बनाए हैं, आप इस जो आपकी जो नेविस वर्क में ये तीनों फाइल अपेंड, इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं। अगर आप टेम्प्रेरी वर्क करना चाहते हैं विदाउट सेव, तो आप NWC को विदाउट सेव वर्क कर सकते हैं। बट अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आपको इसको एज एन NWD और एज एन NWF सेव करना पड़ेगा। सो फर्दर ऑन NWD और NWF हम कब सेव करें? सो NWD जब सेव करनी है आपको, जब आप क्लाइंट के साथ आप फाइल शेयर करना चाहते हैं, या बिकॉज NWD में जो हमारा एक जो ड्रॉबैक आप कह सकते हैं कि जो हमारे लिंक्स है, 3 लिंक्स यहाँ पर HVAC के, वाटर सप्लाई के और फायर प्रोटेक्शन के, ये तीनों लिंक्स एज एन इसके अंदर स्टोर होकर सेव हो चुके हैं, मीन्स ये इस फाइल को पार्ट बन चुके हैं, इस फाइल का स्टोरेज हो चुके हैं। सो अब ये हमारी जो लोकेशन पे ये तीनों जो हमारी NWC जिस फोल्डर के हमारे PC के लोकेशंस पे है, वहाँ से लाइव डेटा नहीं रिफ्रेश होगा हमारे नेविस वर्क के अंदर। बट NWF जब भी हम सेव करते हैं तो तीनों जो फाइल्स है वो एज ए NWF तो सेव हो जाएगी, बट जब भी हम उनके NWC की लोकेशन पर वापस एक्सपोर्ट देकर रिप्लेस कर देंगे हमारी लेटेस्ट एक्सपोर्टेड फाइल से फ्रॉम रेविट, देन आफ्टर टेकिंग रिफ्रेश, वो जो भी लेटेस्ट आपका अपडेटेड मॉडल होगा वो NWF के अंदर लेटेस्ट आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बिकॉज NWF के अंदर वो जो NWCs है वो आपकी स्टोर या एज ए सेव होकर नहीं फाइल क्रिएट होती, वो हमेशा आपके एग्जिस्टिंग जो भी पाथ होता है उस NWC से लाइव लिंक्ड होती है आपके NWF के अंदर। सो NWD जब भी आप क्लाइंट को शेयर करें तो NWD सेव करें, और NWF जब भी आप इंटरनल आपकी टीम वर्क कर रही है, आप कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर क्लैश रिजॉल्व करने के लिए, तो आप NWF सेव करें। बोथ ही के अंदर हम क्लैश टेस्ट और व्यू पॉइंट क्रिएट करके सेव हो जाते हैं, बट NWC के अंदर फाइल सेव नहीं कर सकते हम क्लैश और व्यू पॉइंट के साथ।